हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिडडे मील में फिर सामने आई भारी लापरवाही, खाने में निकली मक्खियां बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। मिडडे मील की योजना आए दिन सुर्खियों में रहती है, ये और बात है कि ये कभी भी अच्छे कारण से चर्चा में नहीं होती। हैरान की बात तो ये है कि इस योजना को बेहद सकारात्मक सोच के साथ शुरू किया गया था, मगर हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। इस योजना को शुरू करने के पीछे उद्देश्य था कि गांव के बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ने आए और गरीब बच्चों का कुपोषण भी दूर हो सके, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह की घटनाओं को देखकर तो लगता है कि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है। मामला नया सानवाड़ा के राजकीय प्राथमिक स्कूल से जुड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों को खाने के साथ एक ऐसी चीज परोस दी गई जिसे देखकर किसी की भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नया सानवाड़ा में राजकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चों को जो मिड डे मील परोसा गया उसमें दर्जनों मक्खियां भरी हुई मिली। जब मिड डे मील में मक्खियां मिली तो इसके बाद स्कूल में बच्चों को खाना बांटना रोक दिया गया। दिक्कत की बात ये थी कि इसके पहले काफी बच्चे खाना खा चुके थे। स्कूल के अस्थायी अध्यापक ने जब खाने की जांच की तो उसमें मक्खियां देखकर तुरंत भोजन बांटने पर रोक लगा दी गई। हालांकि जिन बच्चों ने खाना खा लिया था उन्हें तो उल्टियां होने लगी थी, बाद में जाके उनकी तबीयत में सुधार आया। अपनी गलतियां छुपाने के लिए अध्यापक ने इस पूरे मामले को किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं बताया। जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो रिपोर्टर मौके पर पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर राजकीय विद्यालय के अस्थायी अध्यापक को पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें हमारा क्या कसूर है, मिड डे मील बनाने वालों को पूछिए, साहब हमारी नौकरी का सवाल है, ऐसी खबर मत चलाओ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सिरोही जिले से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।